जी इनकी तो सारी अच्छी लगाम ने जी, ये जो कम है वो करे हैं जी, करके दिखाया जी इनने, दिल्ली में देख लिया हमने, पंजाब में देख लिया, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है जी, हम भी पूरा मन तन से आम आदमी पार्टी का साथ देंगे जी। अब की बार हम बहुत तंग हो रही है, शिक्षा भी फ्री है जी और व्यवस्था भी, और जी महिला किराया भी, और जी इनने तो सारी पेंशन भी तोड़ दी, सबके मतलब गड़बड़ कर दी जी इनने, आम आदमी का जीना आराम कर दिया, बिजली भी जी इतनी महंगी कर दी कि पंखा भी चलाने के चोर हो रहे हैं हम, है ना, बिजली पानी की भी दिल्ली में देखो, दिल्ली तो खांदी पीती स्टेट है, हरियाणा गरीब स्टेट है, दिल्ली में तो मतलब सारा फ्री है, और हरियाणा में इतनी तेज कर दी जी इनने कि जीना मुश्किल हो रहा है जी। दिल्ली पंजाब में आपके माध्यम से पता लगता है जी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जी, और हरियाणा में भी चाह रहे हैं लोग बाग जी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और लोग बाग चाह रहे हैं जी, ऐसे कोई काम करने वाला आए और काम करे हरियाणा में भी। पांच गारंटी जी ऐसी है जी, अब केजरीवाल की तो सब नकल करने लगे और इन कामों की भी नकल हो गई, और क्रांति जो गारंटी दी है ये सोच लो देश को आगे ले जाने वाली गारंटी है जी। शिक्षा में जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो कोई ना कोई डॉक्टर आईपीएस कुछ ना कुछ बनेगा जी, पढ़ लिख के बच्चा देश को आगे बढ़ाएगा जी, और तभी देश आगे बढ़ेगा, हमारा विकसित देश पढ़ाई होगी तभी आगे बढ़ेगा जी, बिगर पढ़ाई के हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, और इन सरकारों ने तो पढ़ाई का तो एक वो बना दिया जी, सिस्टम बना दिया, दुकानदारी बना दी, प्राइवेट स्कूलों में यहाँ क्या होता जी, जूते वहीं, मोजे वहीं, सब कुछ सौदा, कन्फेक्शनरी की दुकान खोल दी जी, ट्यूशन बाहर लगाना पड़ता है, बुरा हाल है जी यहाँ तो सरकारी स्कूलों का जी, प्राइवेट खोल दिए। पांचों की पांचों गारंटी जो आम आदमी पार्टी ने दी हरियाणा के लोगों के लिए 100% सही है, और आम आदमी को आज इसकी जरूरत है, इसीलिए हमारे जो केजरीवाल जी हैं, हमारी पार्टी के संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लोगों के लिए जो गारंटी दी है वो आज सही मायने में एक आम आदमी की जरूरत है। पंजाब में जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा के लोग, पंजाब में उन्होंने जो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा वो दी है, पंजाब में दी है, तो हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को ये जो चीजें हैं, पांच चीजें, बिजली पानी रोजगार शिक्षा, ये सब एक आम आदमी की जरूरत है और इनको मिलना चाहिए। आज हम हमारी जो मौजूदा सरकार से भी हम बार बार मांग कर चुके हैं, हमें ये चीजें दे दो, लेकिन एक ही डरा बना हुआ है कि भाई लोगों को बहकाओ, जात पात की राजनीति करो और आ जाते हैं। एक ही अच्छी पार्टी आई है सामने और लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में जी शिक्षा की गारंटी है जी, स्वास्थ्य की गारंटी, बिजली की गारंटी, युवा को रोजगार की गारंटी, महिलाओं को 1000 की सम्मान राशि की गारंटी, और जी हमारे काम तो बहुत है जी, जो बहुत ही गारंटी है, काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत खुश है जी जनता जी, काम करने वाले जी, हम लोगों से 10-10, 20-20 वादे करने और करते नहीं है, वादे चाहे कम करो पर उसको पूरा करो, बहुत ही अच्छा है जी, वादे चाहे इन्होंने पार्टी ने कम किए पर बहुत अच्छे वादे किए। शिक्षा के बारे में वो बात करूंगा जी, सबसे पहले वो जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार दिया है, वो जो शिक्षा के ऊपर महत्व दिया है और इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, बाहर विदेशी भी जो देखने के लिए आते हैं, और हरियाणा में जो है शिक्षा का बिल्कुल दिवाला टिका हुआ है, और हरियाणा की जनता ये चाहती है भाई हमारे जो हरा बच्चों का भविष्य बढ़े और अच्छी शिक्षा दे सरकार, इसलिए केजरीवाल सरकार को लाना चाहती है।